So now I want to link two things here. When I say selfish, I say selfish for the sake of the mental or mentality or the sake for the mental wellness of the founder. But also the fact that there is failure that you have to deal with. Right. Even today, on everyday basis, you're dealing with failures as a founder. Yeah. I want you to now explain a bit about founder mindset and dealing with failures and how can one learn. And I keep saying this, I love saying this. How, because there's a lot of depth in, according to me at least, in it, or if people can understand. How does one fail better? Everyone will fail. It's inevitable. Aapki thukegi. Aap fail karoge. Aapko kahin na kahin kuch na kuch gadbad hoga. Raita phailega. Bhasad machegi. Yeah. Aap sab samet ke phir bhi aage kaise bar sakte. So how do you fail better? You can't not fail. All you can do is you can fail better so that the margin of error keeps decreasing. Thoda sa take back to the failures that Pulkit as a founder, Siddharth as a founder saw. What did you learn and how do you deal with failures going forward to make it your strength? I think it's important for the essence also to go through. कोई कंपनी नहीं बन सकती without failures. बहुत मतलब it's like one in a million kind of कोई बना ले तो बना ले. मुझे तो नहीं लगता. And you big or small, you fail every day on something or the other, right? हो सकता है मैं सुबह जब उठा था मैंने सोचा था मैं चार काम करूंगा. हो सकता है जब मैं जाऊंगा घर मैंने उसमें तीन किए होंगे एक नहीं किया. दैट्स आल्सो अ फेलियर. दैट यू विल ब्लेम ऑन मी बिकॉज़ आई हैव टेकन अप सो मच ऑफ योर कैलेंडर टाइम. सो आई एम ट्राइंग टू बी सटल अबाउट इट. बट रोज होता है, राइट? ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं. जो आपने दूसरा पॉइंट टच किया ना, वो रिलेटेड है इससे, अराउंड मेंटल हेल्थ, राइट? क्योंकि जब आप ये करने जा रहे हो, व्होएवर इज डूइंग एनी स्टार्टअप, दे द एक्सपेक्टेशन शुड बी कि बहुत ठोकोगे और बहुत फेलियर्स होंगे, बहुत नोज आएंगे. बिहाइंड एवरी यस वी गेट देयर हंड्रेड्स ऑफ नोज. फॉर यू ऑल्सो इन योर बिजनेस, राइट? आप 100 क्लाइंट को पिच करोगे, एक मानेगा, दो मानेंगे, धीरे धीरे ज़्यादा मानेंगे. मतलब मैं शायद ज़्यादा मानते हो आपके लिए, पर हमारे लिए तो यही है. हमने आई वाज स्माइलिंग बिकॉज़ यू टुक मी बैक 7 इयर्स अगो जब पिच करते थे. या आज हम पिच नहीं करते, बट यार थैंकफुली भाई लोगों का वर्ड काउंट करते. 100 में से एक, 10 में से एक हो जाता है, 2 में से एक हो जाता है, धीरे धीरे, व्हाटएवर. बट 100% तो किसी का नहीं है हिट रेट किसी भी चीज में, कभी नहीं होता, राइट? और होना नहीं भी चाहिए. दुनिया वो यस देखती है और कहती है अरे इन्होंने ये कर लिया. पीछे 99 बार आप 9 सुन के आए होते हो. दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. मतलब मैं भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी चलता ही है तो, राइट? बट जो हेल्प किया है मुझे तो एक कंटेक्स्ट स्विचिंग, राइट? आप जिस टाइम जो कर रहे हो आप वो करो, और बाकी चीज़ों के बारे में जितना कम सोच सकते हो सोचो, क्योंकि 100 चीज़ें चल रही होती है लाइक ब्लिंकर्स. अभी अपन बात कर रहे हैं, मैं नहीं सोच रहा अंदर क्या हो रहा है. सोचना भी नहीं चाहिए, हम यहाँ पे ज़्यादा मज़े कर रहे हैं. हाँ, लेकिन जैसे मैं उठूंगा मैं सोचूंगा. सही बात है, क्या है, राइट? वो करना पड़ता है. मतलब आपको ट्रेन करना पड़ता है अपने आपको. आप किसी बहुत बुरी मीटिंग से आए हो लेट से, लेकिन अगली मीटिंग आपको एक ही बार मिलेगी लाइफ में. आप 4 बजे निकले और 4 बजे दूसरी शुरू हो गई. अब आप उस बैड मूड को लेके कैरी फॉरवर्ड कर लो, और दूसरी आपको कभी मिलनी नहीं है. हो गया काम कंटिन्यूसली दिखता जाएगा, राइट? वो कहना, वो भी ऐसी चीज़ है जो कहना आसान है, प्रैक्टिस से ही हो पाता है, जितना हो पाता है. एंड स्केल है पूरा कि आप कितना नहीं लेके जाओगे, बट करना पड़ता है और ज़रूरी हो जाता है बहुत. मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरी पिछली मीटिंग कोई कुछ मेरे को बैड न्यूज़ मिली है लेट से, अब मैं वो उसका इंटरव्यू पूरे मन से नहीं ले रहा, तो मैं क्या ही जज कर रहा हूँ? उसके साथ भी इनजस्टिस कर रहा हूँ. सही बात है. जो बेचारा दोबारा शायद नहीं मिलेगा मुझे, अब मैं अपने ख़राब मूड की वजह से उसे रिजेक्ट कर दूँ, उसकी लाइफ का ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गया, राइट? क्या होता है, यहाँ काम कर रहा होता कुछ और बनता, वहाँ कहीं और करेगा कुछ और करता. लाइफ आपको अपने इमोशंस रेगुलेट करने तो सीखने ही पड़ते हैं बहुत ज़्यादा. स्विचिंग ऑफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों डिफरेंट एंड स्लाइटली, कि स्विचिंग ऑफ नहीं बट Context switching off, I mean. Right. And then regulation of your emotions, right? When I say regulation of emotions, आप ना आप वो नहीं हो सकते जो कूदता है खुश होके और रोने लगता है दुखी होके. आपको थोड़ा फ्लैट रखना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है. Stoicism is one of the key elements of success as a founder. No, that has helped. It helps.